राज्य के खबरनाम में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। समाज सेवी संस्था एटी क्राइम द्वारा द्वारा पंचायत मजुआ उत्तमी में आज पौधे लगाए गए। यह आमजन संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता की देखरेख में आयोजित था। संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने बताया, बरसात में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। इस मानसून सीजन में उनकी संस्था अलग अलग पंचायतों में जाकर पौधे लगाएगी। गुप्ता ने बताया, पौधे उन्होंने प्राइवेट नर्सरी से खरीदे हैं और ऑक्सीजन के साथ साथ फलदार भी हैं और आने वाले समय में समाज के काम आएंगे। जहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं श्री बभीषण जी, इन्होंने हमें कुछ दिन पहले अप्रोच किया था कि हमारी पंचायत घर में फलदार पौधे लगाए जाएं। तो आज हमने ये प्रोग्राम रखा है जहाँ प्लांटेशन ड्राइव का, तो मैं जहाँ पर एक प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीद के जहाँ पर लाए हैं और ये फलदार पौधे हैं, तो ये हमने अपने पैसों से परचेज करके लिए हैं। और मैं सभी से अपील करूंगा कि इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा फलदार पौधे लगाएं, ताकि इनसे हमें दो तरह के फायदे होंगे। एक तो हमें फल मिलेंगे और दूसरा हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी। और अगर किसी को पौधों की जरूरत है तो हम उनको पौधे भी फ्री प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे देंगे। तो ये हमारा एक संदेश है, ताकि बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूसी को एक हरा भरा रखा जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जो जीरो स्केल से हमने शुरू किया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर में ये फलदार पौधे बांटे जाएं, लगाए जाएं। और जहां पर जो जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया है, जहां पे जो स्थानीय सरपंच हैं, पंच हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो हमारे इस मिशन को कामयाब बना रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपने अभी तक जो की खबर नाव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।